पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं धन्यवाद अपने आप आपका। नाम बता रहा हूं आपको, सूर्यदेव चौहान नाम है मेरा। यूट्यूब चैनल मेरा एक है, A to Z BR, और मैं मीडिया मतलब पत्रकार हूं एक, और हर तरह का खबर आपको दिखाने का काम करता हूं। नमस्कार और दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विक्ट्री थिंकिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू से रिलेटेड और ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, तो ऐसे ही आज हमारे साथ एक शख्स आए हुए हैं, मिलने आए हुए थे, ब्लॉगिंग के बारे में जानना चाहते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा एक वेबसाइट है infoshashikant.com करके, तो उसी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानकारी लेने आए थे। तो उन्हीं शख्स से एक यूट्यूबर भी हैं जिनका यूट्यूब का नाम है A to Z BR, तो आप जाकर सर्च कर देख भी सकते हैं। न्यूज ये सब रिपोर्टिंग का काम करते हैं, तो उन्हीं शख्स से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिलवाना चाहूँगा, आपसे रूबरू करवाना चाहूँगा। तो चलिए उनसे आपसे थोड़ा वाकिफ रूबरू करवाते सर, हैं। आपसे स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल विक्ट्री थिंकिंग में। तो अपना पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं धन्यवाद अपने आप आपका। नाम बता रहा हूं आपको, सूर्यदेव चौहान नाम है मेरा। यूट्यूब चैनल मेरा एक है, A to Z BR, और मैं मीडिया मतलब पत्रकार हूं एक, और हर तरह का खबर आपको दिखाने का काम करता हूं, और हर जुड़ी मतलब किसी भी तरह का जानकारी जो है मैं दिखाने का काम करता हूँ। मेरा एक चैनल है जो मीडिया चैनल है, और मैं इनसे भाई से मिलने आया था, कुछ ब्लॉगिंग के बारे में जानना था हमें भी, तो इसी के लिए हम आए थे। तो इन्होंने बोला हमें कि से भाई थोड़ा सा आपका भी हम ये इंटरव्यू कर लेते हैं। बोले चलिए अच्छी बात है, हो जाए, अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है सर, देखिए अपना बारे में इंट्रोडक्शन बतला दिए सूर्यदेव कि चौहान, सूर्यदेव चौहान है जो सिमरा औरंगाबाद का रहने वाले हैं। वो देव से 15 किलोमीटर आगे जाके जाइएगा तो एक गांव मिलेगा, वहीं के रहने वाले हैं। तो सर आप, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका कब से यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुआ? मैंने जो शुरू किया था यूट्यूब जर्नी जो 2020 में किया था, उसके बाद कोरोना आ गया। मार्च में, जनवरी में शुरू किया था, मार्च में कोरोना आ गया। अब उसके बाद फिर मेरा चैनल बंद पड़ गया, तो उसके बाद फिर मैं अक्टूबर नवंबर से काम करना शुरू किया, और अभी तक कर रहा हूँ काम, अच्छा खासा चल रहा है अभी तक। तो सर आपके माइंड में कैसे आया कि हमें यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए होता क्या है कि हम मोबाइल मोबाइल सब कोई लोग देखता है, देखते देखते एक चैनल आया, मेरे मनोज भाई का चैनल है, मनोज जी का। मैंने उस चैनल के माध्यम से देखा कि लोग आखिर करते क्या हैं, हमें पता नहीं चल रहा था उसमें। तो धीरे 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 कर करके मैंने जानने की कोशिश किया कि सोशल मीडिया से लोग कैसे पैसा कमाते हैं। से सोशल मीडिया में बहुत बड़ा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपकी भी रुचि रखते हैं तो सोशल मीडिया में, तो आप जाकर के यूट्यूब पर या फिर कहीं भी कोई सर्च कीजिए कि सोशल मीडिया से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, तो आप भी कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए सर ने बतलाया कि आप भी मतलब जो मतलब ऐसे ही बैठे हैं, केवल इंटरनेट है सब का वेस्टेज, जैसे मोबाइल का देखिए इंटरनेट का आजकल युग हो गया है, 5G हमारा आ गया है, तो आप जैसे वेस्टेज मोबाइल का टाइम वेस्ट करते रहते हैं देखकर दूसरा को, तो आप भी कुछ अगर करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, टैलेंट हर व्यक्ति के अंदर होता है, पर फर्क इतना होता है किसी का टैलेंट छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। तो आपको सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्त कि जहाँ पर आप अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छी तरह से। वहाँ आपको पहले जैसे आपको होता था एक्टर बनने का शौक होता था, सिंगर बनने का शौक होता था, डांसर बनने का शौक होता था, तो बोलते थे कि हमें जाना है मुंबई, जाना है माया नगरी के दुनिया में, वहाँ पर हम जाकर ही बन पाएंगे। पर अब ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर एक्टिंग का है शौक, अगर आपके अंदर डांसिंग करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट कर पूरे दुनिया को अपने कॉन्वेंस कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, आप दुनिया को अपनी परफॉर्मेंस को दिखला सकते हैं। दुनिया आपको खुद एक्टर बना देगी, खुद डांसर बना देगी, खुद सिंगर बना देगी, आपको कहीं मुंबई और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, खुद वे लोग आपको बुलाएंगे अगर आप यहाँ फेमस हो जाएंगे तो। तो सर आपका जैसे कुछ लोग का हमें इशू होता है कि यूट्यूब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे लोग यूट्यूब स्टार्ट करने लगते हैं पैसा आने लगता है, तो उनके लालच में सोचते हैं कि पढ़ना लिखना हमारा क्या इससे मतलब है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहला चीज़ तो है कि पढ़ाई लिखा के साथ साथ में आप इसको कर सकते हैं। आप पढ़ाई को पढ़ते हुए एक पार्ट टाइम बना लीजिए, और पार्ट टाइम में ये काम आपको 1 घंटा 2 घंटा करके ऐसे जितना टाइम मिले आपको पढ़ाई को मत छोड़िएगा। मैं सब लोग से ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर आने से पहले आप पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, और पार्ट टाइम में निकाल करके इसके लिए टाइम दीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। और सबसे बड़ा जरूरी चीज़ जो इसमें है उसमें धैर्य रखना, क्योंकि मतलब पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि ऐसा नहीं कि आज वीडियो डाला कल चलने लगा परसों पैसा कमाने लगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी इसमें लगे रहिएगा तो।
तो देखिए सर ने कहा कि एजुकेशन हम लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, बिना एजुकेशन के आप कुछ भी नहीं करना कर पाएंगे। जैसे धर्म का भी आपको संचालन करना है तो उसके पहले शिक्षा की जरूरत है, अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो आप कैसे बतला पाएंगे धर्म के बारे में। उसी तरह यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है दोस्त, ये कोई पैसा कमाने की है प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ आप अपने टैलेंट अगर है तो आप अपने अगर शिक्षा के बल पर ही आप टैलेंट आप परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं है तो आप क्या रिफॉर्म करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए एजुकेशन को मत छोड़िए, अगर यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं तो यूट्यूब को सेकंड प्रायोरिटी दीजिए, फर्स्ट एजुकेशन। पहले शिक्षित होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे आगे कैसे। तो यही इनका कहने का मतलब था। तो सर आपका क्वालिफिकेशन क्या हुआ? हम ऐसे ग्रेजुएट हैं। और जब देखिए ग्रेजुएट रहने से या न रहने से तो क्या सर बहुत से जैसे ग्रेजुएट किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं और तब पर भी बोल रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पर आप देखिए कि एक मुद्दा भी उठा था एनटीपीसी आरआरबीएसएफ के बारे में, तो आप तो एक न्यूज रिपोर्टर हैं तो इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए एनटीपीसी आरआरबी एक मुद्दा है, मुद्दा पे इसलिए लोग मतलब छात्र उग्र हो गए क्योंकि 2019 में ये फॉर्म भरा था, उसके बाद इसका एग्जाम जब हुआ, एग्जाम में एनटीपीसी का एक एक लड़के का चार चार रिजल्ट हो रहा है और कट ऑफ मार्क की बात किया जाए तो 93, 96, 92 ऐसे करके आ रहा है। और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम कर दिया उसमें, अब बताइए बच्चे लोग परेशान हैं उसमें। आरआरबी के एक इसका रिजल्ट जैसे ही एनटीपीसी का आया था उसके बाद सटे आरआरबी का नोटिफिकेशन एक आता है कि आरआरबी की जो भी परीक्षा होगी उसमें CBT2 लिया जाएगा, CBT2 मतलब आरआरबी में दो परीक्षा लिया जाएगा। जैसे पहले एक ही एग्जाम होती थी पर बच्चों 2019 में फॉर्म फिलअप किए थे, और देखिए कि एग्जाम होने के पहले कुछ दिनों के पहले बोल रहे हैं कि एक दो एग्जाम आपकी होगी, तो कैसे बच्चों तैयारी कर सकते हैं? आप जब 2019 में आप फॉर्म भरवाएं तो उसके बाद ही बोल देनी चाहिए थी कि दो एग्जाम होगी, तो बच्चों का टाइम भी मिल जाता प्रिपरेशन करने का। तो आप एग्जाम के दो दिन पहले बोल रहे हैं तो कैसे होगी? तो ये सब पर ही बच्चों थोड़ा उग्र हो गए कि हम लोग का मेरा भविष्य मतलब जो 4 साल से 5 साल से 8 साल से तैयारी कर रहे हैं रहकर बाहर में, तो उन लोग माँ बाप का भी ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा कुछ जॉब ले अच्छा करे, ये सब ये संभावना हो गई। तो सर ने ये सब के बारे में बताया, तो इतना बारे में और इंस्पायर आप कुछ है क्या दर्शकों को जो देख रहे हैं उसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? आप क्या मतलब कुछ नॉलेज की बात है कुछ थोड़े? देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इन भाई का जो चैनल है उनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि भाई अपना एक चैनल की शुरुआत कर चुके हैं तो ये आगे बढ़ें और पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। आपको भी कहूँगा थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। और मैं हर लोगों को कहूँगा, सभी लोगों को मैं अपने से जो भी मिलते हैं हम सबसे कहते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है आजकल के, और पहले वाला ज़माना नहीं रह गया है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा इसमें आप कमा सकते हैं, लेकिन पेशेंस, हम हर बार यही चीज़ करें, पेशेंस आपको रखना बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखिए और काम करते रहिए। तो धन्यवाद सर इतने के लिए कि आपने बताया कि कोई भी काम करने के लिए पेशेंस और डेडिकेशन जरूरी है, बिना धैर्य और डेडिकेशन का समर्पण का कोई भी काम नहीं होता है। कोई भी काम करिए तो कंसिस्टेंसी के साथ करिए। जैसे आज एक वीडियो डाल दिया तो कुछ लोग सोचने लगते हैं कि कल हमारा क्या होगा, हमारा व्यू नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, तो ये सब पर फोकस मत करिए, अपनी कंटेंट पर फोकस करिए, क्वालिटी पर फोकस करिए। वो आपका जब अच्छा कंटेंट रहेगा क्वालिटी, तो खुद आपका जो दर्शक हैं व्यूअर हैं वो आपको पसंद करेंगे, आपको देखेंगे। तो इसलिए इतने के लिए मैं सूर्या सिंह चौहान सर को हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे साथ इतना टाइम दिया। और सर ब्लॉगर के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो क्या ब्लॉगर के बारे में सीखकर जानकर कैसा आपको लगा? देखिए हम इनके पास आए और इनके ये भी ब्लॉग करते हैं, इनके भाई भी करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। जितनी अच्छी जानकारी इन्होंने दी हमें बहुत अच्छा लगा, हमें संतुष्ट हैं हम इनसे कि एक जानकारी हमको ये दिए, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर के हमको। और तो सर ने कहा जैसे कि मैं भी अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो नॉलेज को शेयर करिए, उसे बांटिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है दोस्त। क्योंकि आजकल के दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं कि जैसे नॉलेज को सोचते हैं कि हम तो बढ़ गए तो दूसरा को हेल्प नहीं करना चाहते हैं, तो हम ऐसे लोगों को बोलना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अपने जो नॉलेज है उसे आप शेयर करिए, नॉलेज के शेयर करने से बढ़ता है। और आप भी अपने नॉलेज को दिन पर डे टू डे इन्हेंस करिए, तब पर भी तभी तो बढ़िएगा और दूसरे लोग के हेल्प होगा तो उन लोग भी आपको आशीर्वाद ही देंगे। तो इतने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को। मैं भाई का जैसा टैलेंट देख रहा हूँ,
बहुत अच्छा टैलेंट इनके पास है, इनको सपोर्ट कीजिए आप लोग और ये बहुत आगे जाएंगे, मैं यही कहना चाहता हूँ। जिस तरह का मैं देख रहा हूँ इनको यहाँ पे जितना टैलेंट है, शायद ही लोगों में इतना बोल पाते हैं लोग, क्योंकि मैं भी जब शुरू स्टार्ट किया था चैनल तो इतना नहीं बोल पाता था, धीरे धीरे बोलना आ गया और सब कुछ धीरे धीरे होता है। कैमरे के सामने ऐसे सब लोग अपने दोस्तों से जैसा भी बात करें कर लेंगे, लेकिन कैमरे के सामने जब बैठिएगा तो थोड़ा सा ये मतलब फील होता, नहीं बोल पाता है लोग। तो मैं देखा कि भाई का टैलेंट बहुत बढ़िया है, आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए इनको। धन्यवाद सर इतने के लिए, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पर्सन के साथ इंटरव्यू लेते हुए या ब्लॉगिंग कुछ यूनिक चीज़ दिखलाते हुए। इसी तरह हमें सपोर्ट करिए और सर को भी सपोर्ट करिए। तो इतने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।